माय गॉड, एक चीज मैंने नोटिस किया ना, बहुत इंपॉर्टेंट, लोकल टैक्सी ड्राइवर्स भी है ना यहाँ पे, वो बहुत फास्ट चलते हैं, बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं होते कि कोई बाहर का आया है, थोड़ा टाइम देते हैं उनको, बट नॉट एट ऑल। आप सबका स्वागत है मेरे इस 2500 किलोमीटर की रोड ट्रिप के नेक्स्ट व्लॉग में। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि हमने एक्सप्लोर किया था तांडी विलेज, और आज हम जिब्बी से घूमते हुए जा रहे हैं चिलौरी पास। मुझे एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन जाने की जितनी एक्साइटमेंट थी, उतनी ही नर्वसनेस भी थी, क्योंकि हमको उन्हीं रास्तों से होकर वापस जाना था। यही सी रास्ते से हम आए थे, ये देखो रास्ता कैसा है, एकदम चढ़ाई उतराई, एकदम टॉप पे, एकदम चोटी पे, और साइड साथ में छोटी सी रोड आप देख रहे हो, और नीचे एकदम खाई है, स्टीप, ना कोई साथ में रेलिंग है ना कुछ है, पहाड़ काट के पूरा रास्ता बनाया हुआ है। तो आपके ड्राइविंग स्किल तो भाई टेस्ट हो जाते हैं डेफिनेटली, और थोड़ा आराम से चलाएं ऐसी जगहों पे। अभी हम तांडी से 2 किलोमीटर ही नीचे आए हैं, पर यहाँ पे आप किसी भी मोड़ पे देखें तो व्यू इतना जबरदस्त है ना, वैसे ही यहाँ से भी है। तो हम नीचे में रुक गए हैं क्योंकि मतलब वेट ही नहीं हो रही थी कि चलो चलते चलते देख लें, बट हम रुक के देखेंगे, बहुत सुंदर लग रहे हैं ट्रीज, एकदम लश ग्रीन। ये पहाड़ जितने सुंदर हैं उतने ही डेंजरस भी हो सकते हैं, तो यहाँ प्लीज संभल कर और सावधानी से चलें। रास्ता बहुत स्टीप है, टूटा हुआ है, और जब आप नीचे उतर रहे होते हो ना, खासतौर कई बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, जब ढलान में उतर रहे होते हैं ना, तो लोग क्या करते हैं, थर्ड फोर्थ गियर में स्पीड पे ही चलते रहते हैं और ब्रेक अप्लाई करते रहते हैं बहुत ज्यादा, उससे क्या होता है ना, ब्रेक हीट अप हो जाते हैं और धुआं निकलने लग जाता है और ब्रेक फेल होने के चांसेस हो जाते हैं। तो ज्यादातर ना इंजन का यूज करें ब्रेकिंग में, पहले और दूसरे गियर पे चलाएं, क्लच बीच बीच में ढीला करते रहें, सो दैट इंजन ज्यादा स्पीड ना जाने दे कार की, और हैंड ब्रेक थोड़ा थोड़ा खींचते रहें, तो ज्यादा स्पीड नहीं आएगी, तो प्रेशर ज्यादा ब्रेक्स पे नहीं डालना चाहिए। टांडी विलेज से नीचे उतरकर सबसे पहले आ जाता है जिब्बी वाटरफॉल का रास्ता। तो अब हम जा रहे हैं जिब्बी वाटरफॉल की तरफ, गाड़ी हमने ना नीचे ही पार्क कर दी है, क्योंकि कल भी जब हम अपने टांडी की तरफ जा रहे थे ना, तो हम इस रास्ते पे चढ़ गए थे गलती से, और यहाँ पे गाड़ी मोड़ने की कोई जगह नहीं होती, इतना ट्रैफिक जाम हो जाता है यहाँ पे, तो बहुत प्रॉब्लम हुई थी। हमने सोचा समझदारी इसी में है, गाड़ी नीचे खड़ी करते हैं और पैदल जाते हैं। पैदल यहाँ से 200 मीटर के आसपास ही है, और रास्ते में ना ये देखो वाइल्ड बेरीज भी लगी होती है, देखो कितनी सुंदर है, बहुत प्यारा ऑरेंज कलर है, और खाने में भी ये टेस्टी होती हैं। सो हम पहुंच ही गए हैं वाटरफॉल के पास। एक चीज जो मैंने नोटिस किया ना, बहुत इंपॉर्टेंट, आप चाहे सड़क पे चल रहे हो चाहे आप कार ड्राइविंग कर रहे हो, आपको बहुत ही ध्यान से चलना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि जो लोकल टैक्सी ड्राइवर्स भी है ना यहाँ पे, वो बहुत फास्ट चलते हैं, क्योंकि उनको तो एक्सपीरियंस है, रोज इन सड़कों से जाते हैं, और साइड भी बहुत ही कम देते हैं वो आपको, बट आपसे वो साइड बार बार मांगते हैं, जो मैंने नोटिस किया है कि इस चीज़ में बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं होते कि कोई बाहर का आया है, थोड़ा टाइम देते हैं उनको, बट नॉट एट ऑल। सो ये जिब्बी वाटरफॉल की एंट्री है, एंट्री गेट है, टिकट्स हमने लिए हैं, टिकट अडल्ट इज ₹20 एंड फॉर चिल्ड्रन इट्स ₹10। रास्ता जो है वाटरफॉल तक जाने का बहुत ही सुंदर है, मतलब ऐसे जंगल के बीच में से छोटा सा ट्रेल है वो है, उसमें से जाएंगे, और साइड में भी थोड़ा थोड़ा पानी चल रहा है। देखो जैसे मैंने बताया था बीच में से ऐसे ट्रेल जाता है, तो ये रास्ता पूरा आगे तक बना हुआ है वाटरफॉल तक, काफी सुंदर लगता है। आसपास ऊंचा ऊंचे जैसे ना पहाड़ के ही पीसेस भी नहीं, मैं बोलूंगी पहाड़ है ऊंचे दोनों तरफ, और थोड़ा थोड़ा ना यहाँ पे देख के जैसे अवतार मूवी में सीन्स होते हैं ना, उसकी भी याद आती है, मतलब ध्यान आता है आपको कि ऐसा ही था, उसमें भी पानी बह रहा है, यू नो पहाड़ों के बीच में से जा रहे हैं, जंगल ही जंगल है। जिब्बी वाटरफॉल करीब 55 फीट ऊंचा है, और मॉनसून के बाद इसका फ्लो भी काफी बढ़ जाता है। सो हम वाटरफॉल पॉइंट पे पहुंच गए हैं, और जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा रश है, यू नो पूरा कंपटीशन हो रहा है लोगों की चीखों का और वाटरफॉल की आवाज का। प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द न्यू वीडियो नोटिफिकेशन। आई कैन फील माय लेग्स, बाय गॉड। सो वाटरफॉल तक मैं हुआ ही, पानी इतना ठंडा था ना, जैसे कि बर्फ की सिलियां रखी हैं किसी ने अंदर, और वो पिघल रही हैं, नो दर्द हो गया एकदम पैरों में,
और शूज मैंने हाथ में उठा लिया क्योंकि पैर गीले हैं। अब मैं नीचे कहीं जगह मिलेगी बैठ के, वहां पे पैर सुखा के अपने फिर पहनूंगी। तो जून का मंथ है फिर भी पानी इतना ज्यादा ठंडा है जबकि इतनी गर्मी होती है इस टाइम पे, और वही सीजन भी है ये, तो लोग काफी ज्यादा है, बहुत रश है ऊपर। बट ये है कि हाँ, अगर आप जिब्बी में ही स्टे कर रहे हैं दो तीन दिन का, तो टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत अच्छी जगह है। सो वाटरफॉल से बाहर आने के बाद हम यहाँ रोड पे ही साइड में ना ये छोटे छोटे से ईटिंग जॉइंट्स हैं। तो मेरी डॉटर ने तो सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया, हमने तो परांठे खा लिए थे, तो उसको लग गई भूख, और वैसे भी उसको मैगी बहुत अच्छा लगता है। तो हमने सोचा चलो हम भी थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं, नेचर इन्जॉय करते हैं और मैगी भी खा लेगी वो। तो यहाँ थोड़ा रुकने के बाद हम चल दिए उसी मुश्किल रास्ते की तरफ जिसके बारे में हमने खूब सुना था। अब यहाँ से आगे हम जा रहे हैं जलौरी पास की तरफ, और जलौरी पास का जो रास्ता है वो बहुत छोटा है और बहुत स्टीप है। देखते हैं कैसा रहता है सफर आगे का। जलौरी पास के रास्ते में ही पड़ता है जिब्बी का दूसरा टूरिस्ट अट्रैक्शन, जो किसी वक्त जिब्बी का हिडन जेम हुआ करता था। सो जो ये नीचे को आप रास्ता देख रहे हैं ना, ये जा रहा है कुली कतांदी की तरफ। यहाँ पे लोकल्स हैं वो इसको कुली कतांदी के नाम से जानते हैं, बट जो टूरिस्ट वगैरह हैं वो इसको मिनी थाईलैंड के नाम से जानते हैं। कुछ यूट्यूबर्स ने व्लॉग बना के काफ़ी टाइम से इसका नेम है वो मिनी थाईलैंड है वो फेमस कर दिया है, अदरवाइज इसका जो ओरिजिनल नेम है दैट इज कुली कतांदी। ये जो पानी है ये जलौरी पास से ही आ रहा है और इस नदी को पुष्पभद्रा कहते हैं, और ये आगे जाके तीर्थन रिवर में ही मिल जाती है, और ये इकलौती नदी है हिमाचल की जिस पर कोई भी डैम या हाइडल प्रोजेक्ट नहीं है। तो ये ट्रेल है नीचे तक जाता है और वहाँ नीचे ही है, तो उतरते वक्त तो बहुत इजी है, आप इजीली जा सकते हैं, बट चढ़ाई करते वक्त यहाँ पे यही है, चढ़ाई है जो एकदम खड़ी है। हम जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पे ऐसी चढ़ाई मिल रही है और बहुत थक जाते हैं, क्योंकि यू नो हम सिटी में रहते तो हमें आदत ही नहीं होती चलने की। और यही रास्ता सीधा आगे जो है वो जलौरी पास की तरफ जाता है, तो हम भी जलौरी पास जाएंगे। जलौरी पास पे चढ़ाई जो है बहुत ही बुरी है, 8-9 किलोमीटर बहुत हैवी है, गाड़ी एकदम हीटअप हो जाती है बहुत ज़्यादा, पहले और दूसरे गियर पे चढ़ती है और बहुत स्ट्रगल करती है कार, खासकर छोटी कारें, बड़ी एसयूवी तो चढ़ जाएंगी लेकिन नॉर्मल कार जो है काफ़ी स्ट्रगल करती हैं। तो थोड़ी थोड़ी देर बाद रोक के बोनट को थोड़ा ठंडा कर लें। तो जलौरी पास जाते हुए वैसे जो मेजर चढ़ाई है वो तो हमने कवर कर ली है, बट यहाँ ऊपर आके ना तो हमें लगा था कि गाड़ी इज ओवर हीट हो गई है, रुक नहीं रही थी वैसे तो, बट प्रिकॉशनरी हमने फिर भी कि चलो थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा कार को भी, तो हमने यहाँ पे खड़ी कर ली है। और अभी जैसे बोनट खोला है ना तो इतनी हीट निकल रही है उसमें से। और एक अच्छी बात जो मुझे यहाँ पे लगी कि जो भी जा रहे हैं लोग पास से ना वो सब पूछ रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम हो गई है, आपको हेल्प की ज़रूरत तो नहीं है ऐसे, तो ये रियली गुड कि इस रास्ते में और कुछ नहीं है, तो लोग आपकी काफ़ी जो हेल्प है उसको करने को तैयार रहते हैं। तो अभी हम 15-20 मिनट का ब्रेक लेंगे, तब तक गाड़ी थोड़ी ठंडी हो जाएगी ताकि हमें आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। और अभी हमें किसी ने बताया है कि आगे थोड़ा सा आगे जाके एक कैफ़े भी है, तो हम 10-15 मिनट का ब्रेक वहाँ ले लेंगे, बस काफ़ी है। अब जलौरी पास 5 किलोमीटर ही दूर है, और ये जो वैली है इसको सिराज वैली कहते हैं, और यहाँ से नीचे तीर्थन वैली का बड़ा ही सुंदर व्यू भी मिलता है। ये सोजा विलेज है, ये एक और विलेज है जिब्बी और तीर्थन वैली का जो बहुत ही सुंदर है, बट यहाँ का जो रोड है ये बहुत छोटा है, आप देख ही सकते हो सिर्फ एक ही गाड़ी जा सकती है। सोजा एक छोटा सा गांव है जो अब सोशल मीडिया की वजह से काफी पॉपुलर हो रहा है। यहाँ 40-50 घर ही थे और रुकने के लिए इक्का दुक्का होम स्टे, पर अब चीजें तेजी से बदल रही हैं, तो यहाँ पे आपको कुछ कैफेज भी मिल जाएंगे, कुछ होटल्स एंड रेस्टोरेंट भी हैं, तो अगर आप ब्रेक लेना चाहते हैं तो इन जगहों पे आप रुक सकते हैं। तो फाइनली हम जलौरी पास पहुंच गए हैं, सामने ही है वो जलौरी माता का मंदिर है। यहाँ पे काफ़ी सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, इसका मतलब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश है, बट मोस्टली लोग हैं जो जिब्बी में स्टे करने आए हैं वो यहाँ पे घूम घाम के वापस चले जाएंगे, और हमने यहाँ से आगे जाना है रामपुर की तरफ, तो उसके आगे शायद रश ना हो। हमारा ये सफर जारी रहेगा, तो जुड़े रहे मेरे साथ इस सफर पर, फिर मिलेंगे, बाय बाय।